अतीक की वैन पलटने से बची, ब्रेक लगा और अचानक रुक गया काफिला। हाईवे पर वो 2 मिनट जब कांप उठा माफिया। पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को उमेश पाल केस में गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जेल में लाया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर के बाद अतीक एंड गैंग योगी सरकार की रडार पर है। सीएम योगी ने भरी विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया था। द्वारा पोषित माफिया है और उसके कमरबंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं कह रही है इसे हम कार्य कर रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक को भी रास्ते में एनकाउंटर का डर सता रहा है और आज सुबह ऐसा मौका भी आया जब 2 मिनट के लिए अतीक की आंखों में भी खौफ उतर आया। उसकी वैन पलटने से बच गई। जैसा कि सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा है कि अतीक अहमद की वैन रास्ते में ही पलट जाएगी। दरअसल आज सुबह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास अतीक को लेकर आ रहा पुलिस का काफिला अचानक से रुक गया। शिवपुरी से झांसी के बीच अतीक के वज्र वाहन से अचानक एक गाय टकरा गई और इसके बाद ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि वैन पलटी नहीं, साथ में चल रही पुलिस और मीडिया की दर्जनों गाड़ियां भी तुरंत रुक गई। स्पीड में चलते चलते अचानक गाड़ियों के बीच रास्ते में रुक जाने की वजह कोई समझ नहीं पाया। काफिला जैसे ही खराई चेक पोस्ट से होकर गुजरा, वहां अचानक अतीक अहमद की वैन के सामने एक गाय आ गई और एक गाय अतीक अहमद की वैन से टकरा गई। इससे गाय की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत ये रही कि वैन पलटने से बच गई। उसके बाद पूरे काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया और फिर ये काफिला आगे के लिए रवाना हो गया। लेकिन ये 2 मिनट अतीक अहमद के लिए खौफ भरे होंगे, क्योंकि उसे भी लगा होगा कि अब तो उसकी कहानी खत्म। वहीं प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक अहमद के पूरे कुनबे के रखने की तैयारियां हो चुकी हैं। अतीक के कुनबे के लिए जेल में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा में आइसोलेशन बैरक में रखा जाएगा। बैरक में सीसीटीवी कैमरे होंगे। लखनऊ में जेल मुख्यालय में लगी वीडियो वॉल से 24 घंटे अतीक की निगरानी की जाएगी। अतीक के लिए जिन जेल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी उनके पास भी बॉडी वियर कैमरे होंगे। ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले इन कर्मचारियों की पूरी कुंडली भी खंगाली जा रही है। देखा जा रहा है कि इनका अतीक से कोई रिश्ता तो नहीं रहा। वहीं अतीक का भाई अशरफ भी कड़ी सुरक्षा में जेल में ही रहेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि प्रयागराज की नैनी जेल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतीक अहमद के कुनबे पर फुल निगरानी रखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बीच रास्ते अतीक अहमद का काफिला रुका और उसकी गाड़ी पलटने से बची, हादसे के वो 2 मिनट अतीक अहमद कभी भी भूल नहीं सकता। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।